नमस्ते दोस्त, तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में। गाइस, वीडियो में हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करेंगे सीआरडी वर्सेस आईआरआर के बीच जो खेला जाएगा नेचर आईएसएल T10 का मैच। शैम्पेन रिव डाइवर्स वर्सेस इंडियन रिवर रोवर्स के बीच होगा ये वाला मैच। गाइस, पूरा वीडियो अगर ध्यान से आप अंत तक देखोगे तो आप एक बेटर टीम अपने से खुद से क्रिएट कर पाओगे। बट मैं क्या करूँगा, मैं ना जो फाइनल अपडेट होता है, जैसे कि ये नेचर आईएसएल T10 है, फिलहाल दो सीरीज़ का कवरेज मिला है और पौंडीचेरी T10 और फाइनल अपडेट आईपीएल एंड ओमेन्स आईपीएल अब तक हुआ तो नहीं है, बट आप मान सकते हो कि ओमेन्स चैलेंजर्स T20 उसका भी कवरेज मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? आपको टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जो ब्लू कलर का लिंक है उससे टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, और अगर लिंक काम नहीं किया तो सर्च भी कर सकते हो @TeamSFTF। गाइस, ये ना इनिशियल मैचेस है तो इसमें थोड़ा सा लेस इन्वेस्टमेंट और जीएल में ज़्यादा फोकस करो, और एक आधा मैच के बाद ना आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो स्मॉल लीग में, ठीक है। फिलहाल आपको अडेप्ट करना पड़ेगा क्या चल रहा है। फिलहाल अगर आप देखोगे ट्रेंड, कुछ दिन पहले जैसे कि स्पाइस आईसीएल T10 हुआ है, फिर विंसी T10 हुआ है, फिर गाइस और रिसेंटली मोस्ट प्रोबेबली सेंट लुसिया T10 हुआ है। तीनों कैरिबियन में था, तीनों में रन कम बन रहा था, विकेट ज़्यादा गिर रहा था। अभी भी जाके देखो तो हमें क्या करना है, बॉलर्स को मार्क करना है और उसको मस्ट पिक बनाना है, ठीक है। ऐसे भी कुछ मैचेस हुआ है जहाँ पे दोनों टाइम चेजिंग टीम हार गया था, ठीक है। हम लोग आएंगे एक एक पॉइंट करके। काइंडली आप लोग वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, एंड अगर आप लोग चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, टेलीग्राम जुड़ जाओ, जो फाइनल अपडेट होता है इस मैच का और फ्यूचर मैचेस का मिलेगा वहीं पे, तो जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, लिंक काम नहीं करने से सर्च भी कर सकते हो @TeamSFTF, ठीक है। मैं हमेशा मानता हूँ लिंक प्रेफरेबल होता है, ऑनेस्ट होता है। लिंक काम अगर नहीं किया तो सर्च करना केयरफुली @TeamSFTF, कहीं पे स्पेस मत लगाना। फटाफट आते हैं हम लोग एनालिसिस में। 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, कहाँ पे? इंसबर्ग डोमिनिका में होगा। यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैचेस मेरे पास कुछ रिकॉर्ड थे, बाद में ना वो पूरा पेज फेसबुक का पूरा पेज गाइस डिलीट हो गया, तो उस पेज में जितना मुझे रिकॉर्ड एनालिसिस मिला या फिर बोल सकते हो मैचेस का स्कोर कार्ड मिला, उसमें दिखा है एक चीज़ कि विकेट गिर रहा है गाइस बहुत ज़्यादा, रन थोड़े कम बनने, तो ये ग्राउंड भी कुछ बॉलर्स को ज़्यादा फ्रेंड करता है। फ्रेंडली सनी वेदर रहेगा, मुझे नहीं लगता बारिश होना चाहिए, अगर ख़राब वेदर हुआ तो स्क्रीनशॉट करके दूंगा। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब का बात है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ना बहुत जल्दी वेदर चेंज होता है। सीआरडी प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर ध्यान दो, जे राफेल ओपन करेंगे, 20 किया था मिका जोसेफ के साथ, ये इस टीम का मार्की प्लेयर है, आपकी टीम में मस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, ये बंदा डेथ ओवर करा सकता है, ठीक है। और इस्माइल लैंडर आए थे गाइस वन डाउन, जो बॉलिंग करा सकता है, एक ही ओवर डाला, बिकॉज ये लेफ्ट आर्म मीडियम है, बॉल फर्स्ट करता है तो गलती से भी ड्रॉप करने का रिस्क मत लो, क्योंकि हो सकता है कि डेथ ओवर में आ जाए। जेसन अलेक्जेंडर राइट आर्म ऑप्शन, बेसिकली मिडल ऑर्डर एंड पावर प्ले में डलाएगा बॉलिंग। नीचे से ए जोली एक और राइट आर्म मीडियम है, बॉल फर्स्ट ड्रॉप मत करना राइट आर्म मीडियम्स को। एन ब्रूनो ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है बॉलिंग से, बट दोनों में अगर कंपेयर करोगे ना दोनों का हालत सेम है, जनता इनको प्रेफर करेगा, क्योंकि मैं बट प्रेफर करूँगा एन ब्रूनो को। एन ब्रूनो पंत हो सकता है, देखना एक आधा मैच में 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, अच्छे प्लेयर है, डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा है। के हैमिल्टन मस्ट हैव है, और पसंदीता मेरा लेफ्ट आर्म ऑथर ऑफ जोशुआ सिल्वेस्टर, और डेफिनेटली के लेफ्ट आर्म मीडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम। गाइस, मैं शायद यहाँ पे गलती लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2-15-0 लिख दिया, जोशुआ ने बॉलिंग नहीं किया था गाइस, किसने बॉलिंग किया था लास्ट मैच में गाइस? हमारे कैप्टन थे जो, कौन सा बंदा? जेसन अलेक्जेंडर, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोशुआ ने। एंड फर्स्ट मैच में क्या हो रहा था ना, सब जोशुआ के साथ जा रहे थे, बट मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जोशुआ का कुछ खास अता पता नहीं है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो आपकी टीम में, और हम लोग इनको ड्रॉप भी किया था, और जनता क्या किया था, जोशुआ के साथ गया था, इवन कुछ बंदे तो गए जोशुआ को कैप्टन भी बनाया था। इसने बैट बॉल कुछ नहीं किया था लास्ट मैच में, लिस लुइजी ने लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं, 2 विकेट मिला था, डेफिनेट पिक है। देखो लास्ट मैच में ये और ये मैं यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, डेथ ओवर कौन कराया? लिस लुइसी की हैमिल्टन मिका जोसेफ, अब तीनों स्पिनर है। अब ये क्या हुआ था, इनको जब डिफेंड कर रहा था ना तब ठीक है, अगर बैट फर्स्ट होता है ना उस कंडीशन में हो सकता है इनके जो राइट आर्म मीडियम्स है ना वो डेथ ओवर में आ जाए। पहला मैच है, श्योर शॉट नहीं बोल सकते, दूसरा ही मैच है, बट एक दो मैच होने के बाद ना हमें समझ में आ जाता है, तो उस कंडीशन में डेथ बॉलर्स को एक आधा टीम ऐसा भी बनाओ जहाँ पे राइट आर्म मीडियम को रखो। मैं ड्रॉप करने का बात नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग होता है तो डेफिनेटली स्पिनर को ज़्यादा बेटर प्रेफर करूंगा मैं, बट अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग हो रहा है उस कंडीशन में ना राइट आर्म मीडियम्स को भी लेके ना एक वन साइडेड टीम बनाना इनके फेवर में, क्योंकि टीम के पास अच्छे खासे प्लेयर है, खास करके इनका टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनके ओपोनेंट के पास, जो भी टीम विन करके आ रहा था इसके बीच। अगर मिल और कुछ रिकॉर्ड देखोगे, जेसन अलेक्जेंडर का ठीक ठाक है, निकोलस ब्रूनो अच्छे प्लेयर है गाइस, अच्छे खासे बॉलिंग कराते हैं, लास्ट मैच में कराया नहीं 2 ओवर, इस मैच में हो सकता है डेथ ओवर में 1 ओवर डाल जाए। मिका जोसेफ
के हैमिल्टन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और लुईस लुईस ये तीनों इस टीम से प्रमुख प्लेयर है और डिफेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन है के हैमिल्टन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म स्पिन ली लुईस डेफिनेटली अलोंग विथ मिका जोसेफ IRR। देखो अब IRR से ध्यान देना, इनसे रिक जेम्स ओपन किया था विंसेंट लुईस के साथ। अब ये टीम ना ज़्यादा रन बना नहीं पाया था, बट ये टीम ज़्यादा रन नहीं बनाने के बाद भी ना डिफेंस कर पाया था। इवन दोनों ही टीम गाइस डिफेंड कर लिया था, छोटा छोटा टारगेट थे ओपोनेंट के लिए। बट इनका अगर बॉलिंग अटैक देखोगे तो आपको चार एक विंसेन, दो मर्सेलिन, तीसरा चौथा पांचवा छठा सात बॉलिंग ऑप्शन यूज़ हो रहा है इनका भी, तो यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो दो ओवर वाले बॉलर कौन है? क्लीमेंट मर्सेलिन आपके टीम में होना चाहिए, स्पेशली बॉल फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये राइट आर्म मीडियम है, बॉल फर्स्ट मस्ट पिक हो जाते हैं। मैगी और क्या करते हैं, राइट आर्म मीडियम, बॉल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दो आपके लिए डेफिनेट पिक है बॉल फर्स्ट, बॉल सेकेंड हो रहा है। आप अगर रिस्क टेकर हो मेरे जैसा तो मैं लेबेंच को ट्राई करूंगा जो लेग स्पिन बॉलिंग कराएगा, जैसे कि इस टीम से नो डाउट इन्होंने भी लास्ट टाइम डिफेंस ही कर रहा था, डिफेंड ही कर रहा था, बट डिफेंड कर पाया था। बट स्टिल बॉल सेकेंड में इनको ट्राई कर सकते हैं और बॉल फर्स्ट में इनको तो लेना ही पड़ेगा, ये मस्ट पिक हो जाएगा बॉल फर्स्ट, क्योंकि डेथ ओवर करा सकता है। विंसेंट लुईस बॉल फर्स्ट डेफिनेट पिक है और बॉल फर्स्ट होता है तो मैं कैप्टन बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि ये बंदा ना आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखेगा। यहाँ लिखा मैंने, हाँ यहाँ लिखा होगा, हाँ विंसेंट लुईस पावर प्ले में डाला था एक, जे डुरान डाला था, सी मर्सेलिन डाला था। अब डेथ में कौन डाला था? विंसेंट लुईस, तो ये पंत हो जाएगा। जी मर्सेलिन सेकेंड इनिंग फर्स्ट इनिंग से अगर बॉलिंग होता है, डेथ ओवर आता है, उस कंडीशन में ये भी बंदा पंत होगा। और एल मैगलियर को तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने अच्छा बॉलिंग करके आया, विकेट मिला था इनको, दो विकेट कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो ये रहेगा फिलहाल टॉप थ्री रहा इनका, ये डियोन बर्टन आएंगे, T10 है, तो नीचे के बैट्समैन के ऊपर फिलहाल बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो। बट अगर कोई प्लेयर जो बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है तो उनके ऊपर मतलब आप ले सकते हो उनको अपनी टीम में, ठीक है। फटाफट आता हूँ मैं कहाँ पे, सपना 11 में ये रहेगा मेरा फिलहाल इस मैच का टीम, जहाँ पे कैप्टन है मीका, VC है जे अलेक्जेंडर। अब ये VC तो है, एक और बंदा है जिसको मैं पसंद करूँगा VC बनाना, के हैमिल्टन, और चौथा पिक होगा लुईसी। दोनों अच्छे पिक है, और जो सेफ पिक है कौन है गाइस? जनता का सेफ पिक ई लैंडोर। अब ई लैंडोर ने एक ही ओवर डाला था और बैटिंग आए थे वन डाउन। अब हो सकता है कि इनको इनका बैटिंग पोजीशन चेंज हो जाए, या फिर एक ओवर डालने वाले बॉलर के ऊपर ना भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। जनता बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बैट से भी पॉइंट दे सकता है, बट ये दो बंदा आपको दो दो ओवर करते हुए दिखेगा और दोनों में से कोई एक तो डेथ ओवर कर सकता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। खास करके के हैमिल्टन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ली लुईसी का भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। मैं एक बार फिर से आपको ली लुईसी का रिकॉर्ड पे लेके चलता हूँ, आपको बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड बना के आ रहा है। 5 ही मैच में ना डोमेस्टिक ओवरऑल में 17 विकेट है इनके पास, ओवर ज़्यादा है क्योंकि कुछ अनलिमिटेड मैचेस है, बट ये बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये रहेगा फिलहाल इस मैच का अपडेट, मेरा जो सजेशन रहेगा इस मैच को लेके गाइस, थोड़ा सा लेस इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक आधा मैच के बाद और मतलब दो दो मैच खेलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन से प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है, बॉलिंग क्या कर रहा है, क्योंकि अभी भी टीम ना टेस्ट कराएगा, सभी प्लेयर्स ना अलग अलग टीम से खेलते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेस इन्वेस्ट करो। फॉर फ्यूचर अपडेट, फॉर फाइनल अपडेट, जो जाना टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन वाले लिंक से। चलो गाइस मिलते हैं मैच टाइम पे।